चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने आज अंतिम दिन अपना नामांकन फॉर्म भरा। आंजना रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद इनामी सिटी सेंटर में आयोजित सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। बता दें कि तीनों ही नेता उदयपुर एयरपोर्ट से बाइक कार सभा स्थल पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे पंडाल को गुंजायमान कर दिया। सभा में मावती की विधायक पुष्कर डांगी, प्रतापगढ़ की जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बाद में तीनों ही नेता कार से उदयपुर रवाना हो गए। इससे पूर्व अंजना ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन रैली में हजारों लोग शामिल थे। अंजना के नामांकन के साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से अब तक 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र पेश किया जा चुका है। दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया गया था। भैरवलाल चौधरी जी डीसीसी प्रेसिडेंट और पुष्कर डांगी जी नॉमिनेशन के लिए आए हैं, ये संख्या बल को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी और वो जीत हासिल करेगी। और आज बहुत से नेता लोग इलेक्शन में हर जगह फिरते हैं कि केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं और अपनी बात को रख के कांग्रेस पार्टी को टीका कर रहे हैं। वैसा ही एक 20 दिन पहले मोदी जी गुलबर्ग आए थे, जो पहले मेरे कांग्रेस से थे, और पहला भाषण उन्होंने कलबुर्गी से ही शुरू किया इलेक्शन का। प्रचार करो,